अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ और SCSTrade.com की वेबसाइट। कल हमने प्राइस अर्निंग मल्टीपल PE रेशो पे बात की थी, आज हम KC100 के PE रेशो की बात करेंगे। इसके लिए हम ये आइकन फंडामेंटल एनालिसिस को क्लिक करेंगे। इसमें हम इंडेक्स स्नैपशॉट को क्लिक करेंगे। यहाँ इंडाइसेस, हमारे दो इंडाइसेस हैं, KC100, KC30। हम KC100 को सिलेक्ट करके हम ये देख सकते हैं कि इस वक्त आने वाले मुनाफे यानी आने वाले अर्निंग्स का जो पी है हमारी मार्केट का, वो तकरीबन 7.6 है। और जो हिस्टोरिकल पिछले सालों की अर्निंग का जो पी है वो तकरीबन 10 का है। अब हम इसमें देख सकते हैं कि हम यहां से सॉर्ट आउट कर सकते हैं जो हमारी KC100 बास्केट कंपनीज हैं, उसमें एक्सपेक्टेड पी, जैसे हम ये देख रहे हैं कि एलाइट बैंक का 5 का मल्टीपल है, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि सबसे कम कौन से हैं, तो हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो हम ये देखा, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि एक और दो के बहुत सारे मल्टीपल्स, जैसे कोटद्दू पावर और अस्करी बैंक, उस तरह एंग्रो पॉलीमर, हब पावर 3 का मल्टीपल, फैसल बैंक बहुत ही अच्छा स्टॉक 3 का मल्टीपल। तो हमें सॉर्ट आउट करके हमने जो चीपेस्ट मल्टीपल्स जो है वो हमने हासिल किए। बास कंपनियों में नॉन अवेलेबिलिटी आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये कंपनीज अभी भी KC100 बास्केट के अंदर लॉसेस में हैं। तो इसी तरीके से हम मैक्सिमम कंपनीज का भी देख सकते हैं, जैसे ये कंपनीज हैं इनकी अर्निंग्स EPS नहीं आती इतनी ज़्यादा, और ये इनके मल्टीपल्स बहुत हाई हैं। तो ये इन्वेस्टर्स को एक एक पैगाम देते हैं कि थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, या अर्निंग मल्टीपल पे कम से कम ये कंपनीज इतनी अच्छी नहीं है, या ये महंगी है। तो व्यूज़, ये KC100 का बहुत ज़बरदस्त स्नैपशॉट है, और इसमें पी वाइज आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं आने वाले अर्निंग्स पे। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और SCSTrade.com को देखते रहिए।